यस स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडी नॉलेज हाउस मैजिक। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग। इसका हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। नाउ द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज कंसेप्ट ऑफ नॉलेज। ट्रेनिंग इज कंसर्न विद टीचिंग टेक्निकल स्किल ओनली। ट्रेनिंग जो हमारी रिलेटेड होती है वो होती है टेक्निकल स्किल्स देने से। मीन्स ट्रेनिंग के अंदर टेक्निकल स्किल्स दी जाती है। डेवलपमेंट इज कंसर्न इन टीचिंग टेक्निकल ह्यूमन एंड कंसेप्शनल स्किल्स। डेवलपमेंट के अंदर हमारी टेक्निकल स्किल्स भी दी जाती है, ह्यूमन स्किल्स भी दी जाती है और कंसेप्शनल स्किल्स भी दी जाती है। मीन्स डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एन एम्प्लॉई। समझ आ गई बात। ट्रेनिंग के अंदर सिर्फ हमारी टेक्निकल स्किल्स सिखाई जाती है, डेवलपमेंट के अंदर उस बंदे का ओवरऑल ग्रोथ की जाती है। सेकंड है सुटेबिलिटी। ट्रेनिंग इज मोर सुटेबल फॉर टेक्निकल स्टाफ। ट्रेनिंग मोस्टली हमारे जो टेक्निकल स्टाफ है उनको ही दी जाती है, या हम ये कह सकते हैं ट्रेनिंग हमारी सुटेबल है लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ के लिए। वहीं अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, डेवलपमेंट इज मोर सुटेबल फॉर मैनेजरियल स्टाफ। डेवलपमेंट हमारा ज़्यादा सुटेबल है मैनेजरियल स्टाफ के लिए, या ये हम कह सकते हैं मिडिल लेवल स्टाफ के लिए और टॉप लेवल स्टाफ के लिए। थर्ड पॉइंट इज नेचर। ट्रेनिंग कंसंट्रेट ऑन डेवलपिंग द स्किल ऑलरेडी पजेस्ड बाय द एम्प्लॉई। ट्रेनिंग हमारी फोकस करती है डेवलप करने में उन स्किल्स को जोन सी पहले से ही हमारे एम्प्लॉयज रखते हैं। मीन्स जो स्किल्स हमारे एम्प्लॉय के पास में है उसी को तराशती है क्या ट्रेनिंग। डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट कंसंट्रेट ऑन डेवलपमेंट ऑफ हिडन क्वालिटी ऑफ द एम्प्लॉयज। जो हिडन क्वालिटीज हमारा एम्प्लॉय रखता है, मीन्स वे क्वालिटीज जो आज तक उसकी बाहर नहीं निकली है, उन क्वालिटीज को बाहर निकालता है, उनको डेवलप करता है क्या डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के अंदर उनको डेवलप किया जाता है, उन क्वालिटीज को बाहर निकाला जाता है। नेक्स्ट है मेथड्स यूज्ड। ट्रेनिंग के अंदर मोस्टली ऑन द जॉब मेथड यूज किया जाता है। ऑन द जॉब मेथड होता है कि जब हमारा जो एम्प्लॉयज है उसको हम प्लेस ऑफ वर्क पर ले जाकर काम सिखाते हैं, या उस मशीन पे ले जाकर हम ये बताते हैं कि बच्चे इस मशीन को ऐसे ऑपरेट किया जाएगा, या इस सॉफ्टवेयर को ऐसे चलाया जाएगा, इस काम को ऐसे करा जाएगा। मीन्स ऑन द जॉब, जॉब पर ले जाकर उसको ट्रेन किया जाता है। डेवलपमेंट, डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, डेवलपमेंट हमारा ऑफ द जॉब होता है। मीन्स जॉब से हटके जो हमारा डेवलपमेंट है वो हमारी क्लासरूम ट्रेनिंग होती है, उसमें हमें मशीन पे ले जाके नहीं सिखाते, या जहाँ पे फैक्ट्री है हमारा, जहाँ पे ऑपरेशन चल रहा है वहाँ पे नहीं सिखाते। हमारा जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो हमारी क्लासरूम ट्रेनिंग में भी चलता है, और ये एक लंबी प्रक्रिया है। मीन्स ये ईयर टू ईयर चलती रहती है। नेक्स्ट है हमारा फोकस। ट्रेनिंग फोकस ऑन प्रेजेंट रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेनिंग हमारी फोकस करती है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की प्रेजेंट जरूरत क्या है। अब हमें चाहिए कि हमें मोस्टली आउटपुट ज़्यादा चाहिए कुछ इन दिनों के लिए, तो हम क्या करेंगे, हम अपने बंदों को इस तरीके से ट्रेन करेंगे कि वे मैक्सिमम आउटपुट दे सके। वहीं अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, डेवलपमेंट फोकस ऑन द प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। डेवलपमेंट हमारा प्रेजेंट पे भी फोकस करता है और फ्यूचर रिक्वायरमेंट पे भी फोकस करता है कंपनी की। ट्रेनिंग जहाँ हमारा प्रेजेंट रिक्वायरमेंट पे फोकस करता था कंपनी की, वहीं हमारा डेवलपमेंट प्रेजेंट में भी फोकस करता है और फ्यूचर में भी। मींस ट्रेनिंग सिर्फ प्रेजेंट के बारे में सोचती है, और डेवलपमेंट के अंदर वो कंपनी का प्रेजेंट भी देखता है और फ्यूचर को भी इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट है टाइम। ट्रेनिंग इज अ शॉर्ट टर्म प्रोसेस। ट्रेनिंग एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस है जो 15 दिन, एक महीना, दो महीने तक दी जाती है। वहीं अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ये साल दर साल चलता रहता है। एक बंदे का या एक एम्प्लॉयज का डेवलपमेंट होने में कई कई साल भी लग जाते हैं, और वो लाइफ टाइम ग्रो करता रहता है। नेक्स्ट है इनिशिएटिव। अब ट्रेनिंग का जो इनिशिएट करता है, मींस पहल करता है, वो कौन करता है? वो बॉस करता है, सुपीरियर करता है। बॉस कैसे करेगा? बॉस
ये जज करेगा कि जो हमारा सबॉर्डिनेट है, बोले तो जो जूनियर है, उसके अंदर कुछ खामियां हैं। उन खामियों को दूर करने के लिए बॉस ये डिसीजन लेता है कि इसको ट्रेनिंग की आवश्यकता है और उसको ट्रेनिंग दिलवाता है। नेक्स्ट डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के अंदर जो इनिशिएट लेता है वो कौन लेता है? कोई भी इंडिविजुअल खुद से इनिशिएट लेता है अपने लिए। मीन्स अगर मैं एक एम्प्लॉई हूँ और किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ तो मैं अपने लिए खुद इनिशिएट करूँगा, पहल करूँगा और अपने आप को डेवलप करूँगा हर तरीके से। मैं अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करूँगा, मैं अपना बिहेवियर डेवलप करूँगा, मैं अपनी नॉलेज, मैं अपनी स्किल्स, मैं सब कुछ अपना डेवलप करूँगा। तो वही ट्रेनिंग में हमारा बॉस इनिशिएट करता है, पहल करता है ट्रेनिंग देने की, और डेवलपमेंट में कोई भी इंडिविजुअल एम्प्लॉई अपने खुद के लिए पहल करता है अपने आप को डेवलप करने की। नेक्स्ट है ड्यूरेशन। ट्रेनिंग मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन होता है इसका, 1 महीने 2 महीने 15 दिन। डेवलपमेंट हमारा नेवर एंडिंग प्रोसेस है, लाइफ टाइम चलता रहता है। बंदे का विकास, उसकी ग्रोथ पूरी जिंदगी चलती रहती है। नेक्स्ट है लेवल ऑफ ट्रेनीज इन्वॉल्व्ड। ट्रेनिंग के अंदर हमारा, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, लोअर लेवल के मैनेजर्स या ऑपरेशनल एम्प्लॉई इन्वॉल्व होते हैं, जो मेजरली हमारा ऑपरेशन का काम करते हैं, मींस जो प्रोडक्शन का काम करते हैं। वहीं अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट में हमारा मिडिल और टॉप लेवल मैनेजमेंट आता है। इसके अंदर टॉप लेवल के मैनेजर्स और मिडिल लेवल के डिपार्टमेंट मैनेजर्स आते हैं। सेंटर्ड ट्रेनिंग हमारा वर्क सेंटर्ड होता है, मतलब जो काम पे फोकस करता है। मींस यहाँ पर हमें अपना काम इम्प्रूव करना है, हमें अपने कंपनी का टारगेट टाइम से अचीव कराना है या करना है। डेवलपमेंट हमारा पर्सन सेंटर्ड होता है, मतलब वो एक पर्टिकुलर बंदे पे फोकस करता है, उसकी ग्रोथ पे फोकस करता है, उसके डेवलपमेंट पे फोकस करता है। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया यह वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरी वीडियोस को लाइक एंड कमेंट जरूर करो। स्टूडेंट्स, आप कमेंट जरूर कीजिए, आप मुझे कमेंट करोगे, फीडबैक दोगे, तभी मैं अपनी वीडियो